नमस्कार एंड अस्सलाम वालेकुम। I expect most of you would be knowing this Nepali guy, foreigner representative of U52, Ritesh Kumar Saab, roll number 478 from that day. And it's one of the most easiest topic, and these are the layouts of the topic. Introduction, properties, types, and then maltose, lactose, sucrose, and biomedical importance of disaccharides. So let's start. First of all, introduction to disaccharides. Disaccharides hote kya hai? Ye एकदम इजीली इसको डिफाइन करें तो दो मोनोसैकेराइडिक यूनिट से बना होता है, और ये जो मोनोसैकेराइडिक यूनिट है डाइसैकेराइड का, ये सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। और ये जो दोनों मोनोसैकेराइडिक यूनिट है, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से एक आपस से ज्वाइंट रहेंगे। जैसे कि हम डाइसैकेराइड्स का एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, इधर हाइड्रोलाइसिस करने पे डाइसैकेराइड जो है वो दो मोनोसैकेराइडिक यूनिट में डिसोसिएट हो जाएंगे, और इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H22O11 होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइसैकेराइड्स की बात करें तो प्रॉपर्टीज में डाइसैकेराइड्स वाटर सोल्युबल होते हैं। उसके बाद ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। और ये जो डाइसैकेराइड्स है, ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं। अब हम डाइसैकेराइड्स की टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स की बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोन ग्रुप क्या होता है। जो माल्टोज और लैक्टोज की स्ट्रक्चर है, इसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ईथर ग्रुप, एक OH और एक H प्रेजेंट होता है। वैसे ही लैक्टोज की स्ट्रक्चर में भी ईथर ग्रुप, H और OH प्रेजेंट होता है। जिस भी डाइसैकेराइड ये तीनों ग्रुप प्रेजेंट हो, वो होंगे रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड, और जिसमें ना हो वो नॉन रिड्यूसिंग होंगे। हमें पता है कि सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड है, और लैक्टोज और माल्टोज रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स है। यदि हम सुक्रोज की स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पर इधर ग्रुप भी है, एच भी है, लेकिन OH ग्रुप एब्सेंस है, CH2OH से रिप्लेस होता है, इसीलिए ये नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड है। अब इसके टाइप्स की कुछ कैरेक्टर्स जो हमने अभी बात की उसको हम इलाबोरेट करके देख लें। नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स में प्रेजेंट नहीं होता है। हम एग्जाम्पल्स की बात कर ले तो माल्टोज एंड लैक्टोज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स, एंड सुक्रोज एंड ट्रिहैलोज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स। अब हम बात कर लेते हैं माल्टोज की। माल्टोज जो है, ऑलरेडी हमें पता है कि ये एक रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स है, इसको हम माल्ट शुगर भी बोलते हैं। ये एसिड हाइड्रोलाइसिस जब हम स्टार्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एमाइलेज, फिर ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा माल्टोज। इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में हम कर दें तो 2-अल्फा-डी-ग्लूकोज बनता है। एक हमने इससे पहले बात कर ली थी, डाइसैकेराइड्स जो है ये ओसाजोन बनाता है, तो माल्टोज का ओसाजोन हो जाएगा माल्टोसाजोन, और ये सनफ्लावर सेफ देता है माल्टोसाजोन।
सबसे आगे हम बात कर लेते हैं लैक्टोज का। लैक्टोज जो है इसको हम मिल्क शुगर भी बोलते हैं। सबसे लिस्ट स्वीटेस्ट शुगर होता है लैक्टोज। ये लैक्टोसा जो बनाता है, डेक्सट्रोरोटेटरी कंपाउंड है, म्यूटर रोटेशन इनहिबिट करता है, हमने पढ़ लिया ये बात। फिर लैक्टेज एंजाइम इसको हाइड्रोलाइज करता है, और फिर ये दो मोनोसैकेराइड यूनिट में बना होता है, डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज। ये बात हमें पता ही है। इससे पहले जो माल्टोज था वो भी दो मोनोसैकेराइड यूनिट से ही बना होता है, दो अल्फा डी ग्लूकोज। ओके, ये लैक्टोसा जो इनकी इमेज है। उसके बाद हम आ जाते हैं सुक्रोज में। सुक्रोज को केन शुगर या फिर टेबल शुगर भी बोलते हैं, क्योंकि ये शुगर केन से स्पेशली डिराइव होता है। इसका जो सोर्सेज है शुगर केन, शुगर बीट, शुगर मैपल्स हो सकते हैं। मोनोसैकेराइड यूनिट इसका डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज होता है। ओसाजोन फॉर्मेशन नहीं करता क्योंकि नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड। फिर ये बहुत ही सोल्युबल और बहुत स्वीट कंपाउंड होता है, न्यूटा रोटेशन नहीं दिखाता, और ये इसका हाइड्रोलाइसिस सुक्रेज एंजाइम करता है। सुक्रोज, एक बात हमें यहाँ देखनी होगी कि सुक्रोज जो है ये डेक्सट्रोरोटेटरी कंपाउंड है, लेकिन जब इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, इसका हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट्स जो है वो लेवियल रोटेटरी हो जाता है, और इस वजह से सुक्रोज को इनवर्ट शुगर कहा जाता है, और इसका जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को कहा जाता है इनवर्सन। This process is called conversion. सुक्रोज का हम इधर स्ट्रक्चर देख सकते हैं। बायोमेडिकल इंपोर्टेंस की बात करें तो ये जो डाइसैकेराइड्स हमने पढ़े, ये कहां कहां अप्लाई होते हैं ये हम देख लेते हैं। डेयरी फूड्स जो होता है ये स्पेशली ग्रेन्स की हाइड्रोलाइसिस करके बनाई जाती है, और इसमें एवन डेंटली माल्टोज प्रेजेंट होता है। ब्रेस्ट मिल्क में लैक्टोज प्रेजेंट, हालांकि सारे मिल्क में लैक्टोज प्रेजेंट होते हैं, और ये न्यूबॉर्न बेबी के लिए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसके बाद सुक्रोज जो है ये क्लिनिशियंस इसको यूज करता है सेरिब्रल एडिमा की केसेस वगैरह। उसके बाद लैक्टोज जो है ये इट सप्लाइज गैलेक्टोज फॉर लिवर ग्लाइकोजन सिंथेसिस। लीवर ग्लाइकोजन सिंथेसिस में लैक्टोज अपना रोल प्ले करता है। उसके बाद जो सुक्रोज है इट्स प्रोवाइड एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग फिजिकल एंड मेंटल फंक्शंस। दीज आर द रेफरेंसेस, लिपिन कोट बायोकेमिस्ट्री, चैटर्जी, सत्यनारायण, सम रेफरेंसेस फ्रॉम गूगल एंड यूट्यूब एज वेल। एंड एक्नोलेजमेंट, I acknowledge to Almighty God upon whom I believe, the Goddess of Knowledge Mata Saraswati, Department of Biochemistry, my respected teachers and all my dear guides. I am very thankful to my brothers Dilip and Kapil for helping me in making this choice, and thank you to all of you.